रोजमर्रा की जिंदगी में आप कांच के बर्तनों का इस्तेमाल तो करते ही होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि कांच के बर्तन जैसे कि गिलास, कटोरिया, प्लेटें फैक्ट्री में कैसे बनाई जाती है? अगर नहीं तो इस वीडियो को पूरा देखिए। सबसे पहले तो टूटी फूटी कांच की बोतलों के टुकड़ों को एक बड़े से ढेर से भर लिया जाता है और फिर इन टुकड़ों को एक मशीन के अंदर डाला जाता है। इस मशीन से होकर एक कांच के टुकड़े एक कन्वेयर बेल्ट से गुजरते हैं, जहां पर इन टुकड़ों की सॉर्टिंग की जाती है। इसके बाद कांच को बनाने के लिए जरूरी सामान को एक कन्वेयर बेल्ट पर डाला जाता है, जिससे ये सारा सामान एक फर्नेस के अंदर डाला जाता है, जहां पर इन सभी को पिघलाया जाता है और इस पिघले हुए घोल को एक मशीन की सहायता से कट कर आगे भेज दिया जाता है। पिघले हुए घोल के टुकड़ों को मशीन की हेल्प से ढांचों के अंदर डाला जाता है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हो कि इस मशीन में कटोरियों के ढांचे बने हुए हैं और इन ढांचों के अंदर इस घोल को डाला जा रहा है। एक एक करके इन सभी ढांचों में इस घोल को डाला जाता है और कटोरियों को बनाया जाता है। और जैसे ही कटोरिया बन जाती है, उसे इस ढांचे से निकालकर एक एक करके एक मशीन पर रखा जाता है, जिस मशीन से इन सारी कटोरियों को आग के धुएं से गुजरना होता है। इसके बाद इन सारी कटोरियों को एक जगह पे निकाल लिया जाता है। बाद में इन सारी कटोरियों को एक कन्वेयर बेल्ट पर रखा जाता है। अब कटोरियों को बनते हुए तो आपने देखा, चलिए अब देखते हैं कि पानी पीने के गिलास कैसे बनाए जाते हैं। तो जैसे हमने देखा कि एक मशीन पे कटोरियों के ढांचे होते हैं, उसी प्रकार से एक दूसरी मशीन पर गिलास के ढांचे होते हैं। तो इस ढांचों के अंदर मशीन की हेल्प से पिघले हुए घोल को डाला जाता है और इस घोल को गिलास के शेप में बनाया जाता है। अब इनको बनाने के बाद इस मशीन से निकालकर उन्हें एक दूसरी मशीन में डाला जाता है, जहां पर उन्हें आग से गर्म किया जाता है। फिर उसके बाद इनको एक कन्वेयर बेल्ट पर रखा जाता है। कन्वेयर बेल्ट से ठंडा होकर आगे जाकर इन्हें पैक कर दिया जाता है। अब देखते हैं कि इनकी पैकिंग कैसे की जाती है। तो एक बड़े से बॉक्स को लिया जाता है और उसके अंदर इन ग्लास को सीधे और उल्टे इस तरीके से भरा जाता है। आप इस वीडियो में देख सकते हो कि किस प्रकार से इन ग्लास को बॉक्स में पैक कर दिया जा रहा है। अब देखते हैं कि कटोरियों को कैसे पैक किया जाता है। तो जैसे हमने देखा कि ग्लास को बॉक्स में पैक किया जाता है, वैसे ही कटोरियों को भी एक बड़े से बॉक्स में पैक कर दिया जाता है।